गाइस आप इस चेहरा देख रहे हो, इस चेहरे में वैसे भी कोई पता देता है नहीं, तो सोचा मैंने थोड़ा सा एप्लीकेशन में यूज़ करके आपको दिखाऊं कि कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ना मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया। मैंने यहाँ पे ले लिया है बेसन, थोड़ी सी दही एंड थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद मैं सोच रही हूँ क्या लूँ, क्योंकि हनी मेरे घर पर है नहीं, तो मैं लगा लूँ या फिर थोड़ा सा नींबू। नींबू एक्चुअली फेस के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा मैंने इसका एक रिव्यू दिया था। तो ये पैक मेरे पास बचा हुआ फेस वॉश है, तो मैं ये फेस वॉश करके उसके बाद फिर मैं स्क्रब करूँगी, उसके बाद मैं वो पैक लगाऊंगी। फेस वॉश करके मैं थोड़ी सी तो खूबसूरत हो गई हूँ, बट अभी भी और थोड़ा होना बाकी है। तो ये आपने देखा होगा नायका से, ये मुझे फ्री प्रोडक्ट स्क्रब फेस ग्लो फेस स्क्रब गुड वाइब्स का ये मुझे मिला था, तो मैं अभी इसको यूज़ करके आपको बताऊंगी कि ये भी कैसा। ये नायके वाले ना बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्री प्रोडक्ट भेजते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, हम उसे खरीद। दैट्स गुड, अच्छी बात है, ये ट्रायल पैक होना भी चाहिए। तो लेट्स सी, मैं इसको भी ट्राई करके आपको बताने वाली हूँ। कंप्लीट हो गया फेस स्क्रब भी करना एंड अभी मैं लगाऊंगी फेस पैक। तो मैं कोई ब्रश व्रश एप्लीकेशन नहीं करने वाली हूँ, मैं अपने हाथ को भी ठंडा करूँगी। मैंने सोचा ये चम्मच से क्यों ना लगा लूँ, एंड ऑल्सो ये ने मैं नेक में भी लगाने वाली हूँ। सीक्रेट इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे घर पे अवेलेबल थे मैंने उसी से कर लिया है। एंड इसो ये मैं 15-20 मिनट रखने वाली हूँ, उसके बाद। तो क्या हो गया, मेरा भाई बोला मैं चम्मच से क्यों लगा रही हूँ। भाई मैं बाकी के नहीं, 20 मिनट बाद फेस को अच्छे से वॉश करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 स्टेप करके मेरा स्किन वन सेड लाइट हुआ है। एंड अभी मैं यूज़ करूँगी ये रोज़ हिप का सीरम है, तो ये मैं बस यूज़ करूँगी। एंड यार दैट वाज इट, देन अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। एंड थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो एंड हेल्पफुल लगी हो, एंड ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड बाय बाय, टेक केयर गाइज।